एवरीवन, आई होप गाइस आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी समय के बाद मैं कुछ जॉब के रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये हमारी कंपनी का कुछ जॉब ओपनिंग हुई है जो इंटरनल जॉब होती है कैरिज कंपनी का। इसे कुछ भाई लोग को बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं इंडिया में जॉब इंटरव्यू दे दिया ऑलरेडी, और इंटरव्यू देने के बाद मेरी सैलरी 80 KD 140 KD डिसाइड हो गई है, वहाँ पे जाने के बाद मुझे सेम जॉब करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। तो गाइस मैं आपके लिए काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको इसमें कुछ डिटेल आपको मैं दिखाने वाला हूँ और कुछ डिटेल मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ओके, जैसे गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इंडिया में 140 KD का या 160 KD का 130 KD का आपने इंटरव्यू दे दिया है और आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको आने के बाद आपको सेम सैलरी पे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर आप यहाँ पे आते हो, आपका जॉब आपका लग जाता है कंपनी में, आप ड्यूटी चालू हो जाती है, ड्यूटी चालू होने के बाद 3 महीने के बाद आप अपना जॉब चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके ट्रेड के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको कोई दूसरी जॉब करना है आपको, तो आप दूसरे पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारी जॉब ओपनिंग रहती है, और ये जॉब मैं आपको जो बता रहा हूँ गाइस, ये कंपनी का जो जॉब होता है इंटरनल जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब जो कैरिज कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं बंदे, स्पेशली उन्हीं को ये जॉब दिया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 132 KD है, अगर दूसरा जॉब ओपन हुआ है और मैं दूसरे जॉब के लिए मैं इंटरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद मेरा दूसरा जॉब में अंदर ही सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरी सैलरी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। ओके, तो गाइस ऐसी कंपनी अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी ने ऐसी एक पोजीशंस, बहुत सारे पोजीशन कंपनी के पास ओपन हुई है फ़िलहाल, तो उस पोजीशन के अंदर अलग अलग पोजीशन में अलग अलग सैलरी है, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको सेम पोजीशन पे काम करना तो सेम पोजीशन पे काम करेंगे, अदरवाइज़ अपना जॉब चेंज करके दूसरे पोजीशन पे भी चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसी कुछ हुआ है, मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था तो मेरा जो जॉब पोजीशन था अलग था, मेरा सैलरी भी काफ़ी कम था, और यहाँ पे जब जॉब अपॉर्चुनिटी जब ओपन हुई, इंटरनेट वैकेंसी ओपन होती है 3-3 महीने के अंदर, 1-1 महीने के अंदर ओपन होती रहती है, तो मैंने यहाँ पे अपना जॉब मैंने चेंज किया और मैं इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया दूसरा डिपार्टमेंट में, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि यार गैरेज ने मेरी इंटरव्यू करा लिया 80 KD में और मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, बहुत कम सैलरी है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आने के बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना पोजीशन आप चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसके पहले अदर पोजीशन के लिए आया था, तो यहाँ पे कंपनी के पास ऐसी बहुत सारी वैकेंसी ओपन हुई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ समय के बाद, आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैकेंसी ओपन होती है कंपनी के अंदर, अगर आपका कंपनी के अंदर 3 महीना अगर आपका कंप्लीट हो जाता है काम करके, तो 3 महीने के बाद आप कोई भी पोजीशन के लिए आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा कि कंपनी के पास अभी कौन सा जॉब ओपन हुआ है, अगर आप कैरिज कंपनी में हैं, अगर आप कैरिज कंपनी के बाहर हैं, अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए आना चाहते हो तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल जो जॉब अभी ओपनिंग हुई है, जो कैरिज कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जॉब ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो इसमें आप वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी को दबा के ऑल बटन को जरूर दबा देना, तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा हुआ है, जैसे कि ये देखो ये सारे सब पोजीशन ओपन हुए हैं, तो मतलब जो कंपनी के अंदर फिलहाल काम कर रहे हैं तो ये पोजीशन पे वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग सैलरी है, तो ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कंपनी में आने के बाद अपना पोजीशन चेंज कर सकते हो, आप जो भी लाइन में जाना चाहते हो, या फिर आने के बाद आप जॉब अप्लाई करके आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसे लगा, आप वीडियो को जरूर लाइक करना।